हाय अनुपमा, कैसे हो आप? क्या कहना चाहोगे? ओ माय गॉड, लुकिंग सो गॉर्जियस! और सोशल मीडिया से तो हमेशा कनेक्टेड रहे हो आप अपने फैंस से। अगर आप टीवी पे नहीं हो तो सोशल मीडिया में स्पिरिचुअली एंजॉय कर रहे हैं। बताइए क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? लग रहा है काफ़ी रिसर्च की है मेरे यस बारे यस में. या थैंक यू सो मच. एंड अभी तो सबको मालूम ही है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में थी, क्योंकि न्यू ईयर आया था. तो मेरा मानना था कि मैं भगवान से शुरुआत करूं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लोग होते हैं, मैं कभी भी क्लबिंग से शुरुआत नहीं करती हूं, क्योंकि लोग जो है 31 दिसंबर को उसके बाद क्लबिंग जाना पसंद करते हैं. दैट इज़ नाइट. मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ. दैट्स हर चॉइस, हिम चॉइस. लेकिन मेरा मानना है कि मुझे इस टाइम पर वृंदावन जाना था. मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में वृंदावन गई, और वो पीस जो था ना, वो अभी तक मैं नहीं भूल पाई हूँ. एंड इतना पॉजिटिव, इतना ज़्यादा. अब तो अयोध्या का भी बहुत चल रहा है, तो मैं उस चीज़ से रिलेट कर पा रही थी. और मुझे लगा कि काश मैं थोड़े दिन और रुक जाती, तो शायद वहीं से मैं अयोध्या भी चली जाती. तो ये जिस तरीके से आपने फैंस को कनेक्टेड रखा है अपने आप से, स्टार प्लस, सोनी टीवी, दंगल, तो कैसा ओवरऑल आपका जर्नी कैसा रहा है? किस तरीके से, क्योंकि लॉकडाउन आ गया उसके बाद काफ़ी चेंजेस आई, तो इस चेंजेस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन जब आया था, तब ऑब्वियसली मुझे भी ऐसा लगा था कि अब शायद हमारी जो गाड़ी में, जो पटरी में थी, वो शायद डामाडोल हो जाएगी. एंड बट टच वुड, ये चीज़ नहीं हुई थी. मैं उस टाइम भी, ममाज मुझे बोल रही थी कि प्लीज़ तुम घर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल है, अकेले अकेले पूरे टाइम, क्योंकि सर्वेंट्स भी नहीं थी, अपना काम भी खुद करना है, शूट भी करना है. और उस टाइम पर मैंने बालाजी के शोज़ किए थे. एंड ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर उस टाइम पर जब किसी के पास काम नहीं था, बहुत रेयर इंडस्ट्री में लोग बचे थे जो जो काम कर रहे थे. एंड उस चीज़ के लिए मैं सच में ब्लेस्ड हूँ, और मैं यही चाहूँगी कि थ्रू आउट ये चीज़ चलती ही रहे. जब लॉकडाउन के बाद अपॉर्चुनिटीज काफ़ी आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया जो इतना बूम हो गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, टीवी, बात करूँ टीवी से, क्योंकि आपने अपनी शुरुआत करियर के भी टीवी से ही करी है, तो कहीं ना कहीं आपको वो दिन मिस होता है जब आप उस तरीके से, जो भी आप किरदार निभाया है, जो भी आपने हर एक चीज़ किया है, तो वो दिन कैसे मिस होते हैं, कैसे याद करती है आप वो सब दिनों को? अभी देखा जाए तो देखिए, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी, तब स्टार्टिंग मैंने यही मोहब्बतें से की थी, जब मुझे कुछ नहीं मालूम था. और विद इन 3 मंथ, मैंने सुना है कि बहुत सालों तक लोगों को काम नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं स्कूल टाइम में ये मोहब्बतें देखती थी, मैं उस शो की बहुत बड़ी फ़ैन थी उस टाइम पर. पर आप अगर, जब आप मुंबई आते हो, विद इन 3 मंथ्स आपको उसी शो में आपको जब काम मिल जाता है, तो वो मैंने, टू बी ऑनेस्ट, मैंने बजट भी नहीं पूछा था. और मैंने हाँ बोल दिया था. तो ऐसी ऐसी आपकी जर्नी शुरू वो भी होती टॉप है. शूज था, टॉप शोज था. मैं आज भी उस चीज़ को, मुझे एज अ श्वेता ही जानते हैं जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम में मेरे लंबे बाल थे, और थोड़ा सा लुक को लेके चेंजेस हो गए, तो कुछ लोग चाहे पहचाने ना पहचाने, क्योंकि उस टाइम मैं पतली भी बहुत थी, बहुत पतली थी, जो कॉलेज टाइम एकदम हड्डी लड़कियां होती ना, उनमें से. तो अब इंडस्ट्री में आ जाते हो, तो आप धीरे धीरे अपने आप को ग्रूम करने लग जाते हो. तो वो धीरे धीरे, फिर मैंने बालाजी के 4-5 शोज किए, उसके बाद फिर मैंने दंगल का किया, दंगल के 2 शोज किए, सोनी का विघ्नहर्ता किया. मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, और इट्स नॉट अबाउट ओनली नेगेटिव. मैंने नेगेटिव भी किया है, और मैंने पॉजिटिव भी किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी. या टीवी की बात करूँ तो इतने सारे रियलिटी शोज आ जाते हैं, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, तो इस बार का बिग बॉस काफी लोग जो बिग बॉस नहीं भी देखते थे वो भी फॉलो कर रहे हैं. जैसे हमने अगर इंटरव्यू इतने सारे लिए तो कुछ लोग फॉलो करें क्योंकि उनके फ्रेंड है या जो भी चीजें हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं बिग बॉस में. तो आप कितना बिग बॉस 17 फॉलो कर रही है, अगर कर रही है तो? जब मैं, अभी मेरा रिसेंटली शो चल रहा था नथ कृष्ण एंड गौरी की कहानी, तो मैं उस टाइम पर तो फॉलो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब मेरा बर्थडे था तो सेट पे ही मीडिया आई थी. तो मेरा उस बारे में भी, मुझसे बहुत डिस्कशन हुआ था, तब मेरा एक ही आंसर आता था, अगर आप न्यूज़ में भी देखेंगे, कि मैं नहीं देख रही हूँ. लेकिन उसके बाद से अगर मैं बीच बीच पे क्लिप्स देखना, बिकॉज मेरा फ्रेंड है उसमें अभिषेक, सो मैं इसीलिए बीच बीच पे क्लिप्स देख लेती थी, अदरवाइज मैं वो भी नहीं देखती. तो जब से मेरा, मैंने जब ये स्किप किया है, तो मैं अब मैं जाके बिग बॉस में अच्छे से इन्वॉल्व हुई हूँ, क्योंकि अभिषेक आके ये ना बोले कि तुमने देखा नहीं, और कुछ मुझसे पूछे तो मैं बोल ही ना पाऊँ. तो मैं तब से देखने लगी हूँ बिग बॉस. तो जैसे आपने कहा अभिषेक आपके फ्रेंड रहे हैं, तो अभिषेक का कैरेक्टर बताइए, क्योंकि इस बिग बॉस में पूरे उनके ऊपर इतना कहा जाए तो बहुत कुछ हुआ है नेगेटिव, फिर भी उन्होंने उस चीज़ से पॉजिटिव ही निकाला है.
बात करूं उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड रही ईशा, जो उनके साथ इतने साल रही है, उन्होंने उनको डिफेम किया है, जबकि अभिषेक ने ईशा के बारे में कभी कुछ ऐसी गलत बातें नहीं कही है। तो आपको मतलब बताइए कि अभिषेक कैसा लड़का है, उनका कैरेक्टर कैसा है? देखिए, अभिषेक का जो नेचर है वो हम सब ने देखा है, क्योंकि एक बार कोई झूठ बोलेगा, दो बार, इतने महीनों तक कोई भी ऐसा नहीं रह सकता है। इनफैक्ट अंकिता तक की रियलिटी बाहर आ गई है। तो ये शो जो है अपनी रियलिटी दिखाने का है, वो आज नहीं तो कल आपका दिखा ही देता है, ठीक है। और अभिषेक एक ऐसा, मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि इतना होने के बाद भी अभिषेक ने कभी ईशा के खिलाफ गंदगी नहीं बोली है, ना ही कोई बैक बिचिंग करी है, ना ही उसके खिलाफ गुस्से में बोलना, वो अलग होता है क्योंकि उसने भी थ्रू आउट बोला है। लेकिन ईशा बैक बिचिंग भी करती है थ्रू आउट, उसके नाम पे वो कॉन्ट्रोवर्सी, हाँ, मेंटल इश्यूज है, ये तो सबसे बड़ा। मैं उस टाइम पर वृंदावन में थी जब ये एपिसोड आया था, एंड मैं उस टाइम पर ना वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था जब वो एलिमिनेट भी हो गया था। तब मुझे एक शॉक लगा था कि आई यू सीरियस, मतलब ऐसे लोग शो के बाहर निकल गए जो रियल में अच्छे हैं, और जैसे ईशा जैसे लोग हैं, सॉरी टू से बट आई रियली डोंट लाइक हर, और वो इस तरह से शो में बैठी है कि उसको एक बार तारीफ कर दी थी तो फिर वो तो झाड़ पे चढ़ गई, उसको फिर समझ नहीं आ रहा कि वो बच्ची है या बूढ़ी हो गई या कौन से बीच वाले में है, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, बस वो ब्लंटली बोलती जा रही है। तो अभिषेक तो आप सभी देख रहे हैं, अगर कहीं भी अभिषेक गलत होता तो पब्लिक से भी तो कुछ गंदा आता ना। आप कभी भी देखेंगे तो पब्लिक उसको इतना पसंद कर रही है, इतना प्यार कर रही है, और मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी थी। जब वो इवेक्ट भी हुआ था तब होता है ना कि आप वीडियो बनाना चाहते हो, लोगों ने बहुत बनाई थी वीडियोस, और मैं भी बनाने वाली थी, पर मैं ऐसे स्पिरिचुअल जगह में थी कि मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, और मैंने इसलिए बिग बॉस उस टाइम पे देखा भी नहीं। मुझे मालूम था क्योंकि समर्थ और ईशा की महान जो दो लोग हैं, ये सिर्फ उसी को टारगेट करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और जैसे ही वो चीज खत्म हुई तो तुरंत समर्थ भी बाहर हो गया, ईशा भी चली गई, वो जो टर्नर तक छोड़ने वालों सच में छोड़कर आया। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ईशा और समर्थ की जो गेम है वो सिर्फ अभिषेक के वजह से ही है। देखिए, आप हम सबने देखा है कि ईशा और समर्थ का गेम प्लान ही अभिषेक है, उसके अलावा ना वो समर्थ आगे बढ़ा है। आप अगर ईशा को हटा दो ना, समर्थ दिखता ही नहीं है, ईशा भी उसी की वैसे दिख रही है, मैं तो उसको नाम ही नहीं ले रही हूँ, बात करते हैं हम सिर्फ समर्थ की। तो समर्थ थ्रो आउट अभिषेक पे रहा है, और इतनी ज़्यादा पोकिंग, मतलब मैं ना देख के मुझे तक गुस्सा आ जाता था। वो होता है ना जो सलमान ने बोला था कि एक थप्पड़ जो मारा तो रिएक्शन जो आया था कि एक और मारना चाहिए था, कि एक और क्या 10 और थप्पड़ मार दे कोई इंसान। मतलब अगर जैसे मैं बिल्कुल काम टाइप की, अगर मुझ पर भी कोई इतना प्रेशर बनाएगा, इतना पोकिंग करेगा, तो किसी का भी हाथ उठ जाएगा। तो मतलब, और बिग बॉस अभिषेक के लिए क्या है वो तो हम सब जानते हैं, और सबने बोला है, जिग्ना जी भी बोल रही थी अभी, हम सभी बात कर रहे थे इस बारे में, तो वो तो बहुत बड़ी बात है बाबा। कहीं ना कहीं हमने अभिषेक का जो जर्नी देखा है वो उन्होंने काफी सुधार लाया, जैसे एग्रेशन भले उनका एक नेचर है, सब इंसान में एक वो पार्ट होता है, अगर आप किसी उस चीज को आप पोक करोगे या कुछ गलत बोलोगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये होता है कि उसका परसेंटेज कम ज्यादा होता है। तो जिस तरीके से अभी समर्थ का जो एक सब जो ऑडियंस ने देखा है, एक चुलबुला सा जो वो मस्ती करते हैं, तो वो एक लिमिट तक ठीक था, बट फिर वो जब एक्सेस हो गया तो फिर सलमान सर ने भी उसे एड्रेस किया कि उनको जब चाटा गिरा तो ऐसा लगा कि हाँ, तो वो कैसा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा जब सलमान सर ने उसकी बैंड बजाई और अभिषेक को हीरो अनाउंस किया। दैट इज वेरी बिग थिंग कि सलमान सर बोल रहे हैं, जो कि आज तक किसी की हिस्ट्री में बोला नहीं गया है, और इतनी हद तक तो पोक भी किसी को नहीं किया गया। मेरे को तो जहां तक मेरे को अभी तक बिग बॉस याद है, जब भी मैंने देखा है हाँ, मतलब टिश्यू मुंह में, वो भी एक तरह से आप उसको कितना गंदे से पोक कर रहे हो कि आप कम्बल डाल रहे हो, टिश्यू डाल रहे हो, उसके मुंह पे चढ़ रहे हो, और वो चाहता था कि अभिषेक थप्पड़ मारे, क्योंकि आगे वाले एपिसोड में भी क्या नाम है उसका, क्या नाम है जो अभी है, नहीं नहीं जो मुस्लिम है ना, आई थिंक मुनावर ने भी वो चीज कही आगे कि वो चाहता था कि तू चाहता था ना कि वो हाथ उठाया, और उसने उठा दिया जब वो एलिमिनेट हो गया था, तो वो कहीं ना कहीं नहीं, वो 100% चाहता था कि वो एलिमिनेट हो जाए, और उसने बाहर जाके जब उसको पता चला ना कि मुझे ऑडियंस कितना हेट कर रही है इस चीज को लेके कि अभिषेक पे हाथ उठाया, अभिषेक को इतना पोक किया, इस वजह से तू बाहर हो गया, तो वो अब कह रहा हाँ मैंने तो जान के किया था, बट वो जान के तब से ही कर रहा है, वो जब उसको आइडिया भी नहीं था, कि वो बोल रहा है कि मुझे, मैं एज अ गर्लफ्रेंड ये चीजें कर रहा था,
कि ईशा को इतनी सारी चीज़ें बोली जा रही थी, बट ईशा को तो वो क्या बोल रही, पहले वो भी तो देखो ना, मतलब अगर वो खुद से नहीं आगे आ रहा तो तुम क्यों बीच में आ रहे हो। जब भी ईशा और उसकी लड़ाई, वो खुद ही घुस जाता था, तो वो तो सभी देख रहे हैं कौन गलत है। और हालांकि हमने अभी एक इंटरव्यू में ईशा का देखा है कि ईशा कह रही है कि अभिषेक, मतलब अभिषेक के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं रहा है, वो उनको पसंद करते थे और अभिषेक वो नहीं करती थी उन्हें, लेकिन अभिषेक उनके करियर के बीच में आ रहे थे ईशा के, इसके लिए वो बोल उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरे करियर के बीच में कोई आएगा तो मैं उनके साथ जरा भी नहीं रहूंगी या उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी, जबकि समर्थ वैसे नहीं है। समर्थ ने भी एग्रेशन दिखाया उन्हें कहीं ना कहीं, बट उनको वो डिफाइन करते हुए नजर आ रही है कि वो बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नॉर्मलाइज झगड़ा है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए मैं सिर्फ इस बारे में डीपली तो नहीं, मैं एक ही लाइन बोलूंगी कि अगर ईशा इतनी सही थी तो जब वो बिग बॉस में आई थी तो फिर क्यों अभिषेक के पास आने की, दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए ट्राई कर रही थी क्यों? और जबकि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी बाहर था, और जब वो आया तो उसके चेहरे का रंग जैसे नहीं उड़ जाता है, तो फिर वो क्यों हुआ था? जब आप करंट बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक्स को एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी वो। और ऐसी जो मेंटल हेल्थ पे जो चीज़ें बाहर आके भी कृष्णा ने उससे पूछी कि आप ही को पता था कि उसको फोबिया है और आप ही ने सबसे ज्यादा मजाक बनाया है, और ये चीजें ना अपनों को बता होती हैं कि आप किससे डरते हो, किससे चीजें करते हो। वो लिफ्ट में तक नहीं जाता है, मतलब वो बंदा कैसा है, वो सीढ़ियों से जाता है। उसकी कितनी रील्स, कितनी वीडियोस पुरानी पुरानी, दो दो साल पुरानी वायरल हुई है, तो फिर आप कैसे, मतलब तब आप उनका कैरेक्टर खुद ही एस्टिमेट कर लो कि क्या मैं क्या बोलूंगी इस बारे में। भी बात करें अंकिता और विक्की की, उनका गेम कैसा लग रहा है आपको? अगर देखो मैं सच बताऊं, अंकिता का तो सिर्फ नाम है इसीलिए मुझे अंकिता भी क्या ही लग रही है, बट विक्की ने जेन्युइनली अच्छा खेला है, जबकि वो इस इंडस्ट्री से भी नहीं है। उसने फिर भी जहाँ तक उससे हो सकता था उसने वो चीज़ की है, पर अंकिता सिर्फ अपने आपस में ही जो लड़ रहे हैं, उनका खुद का कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो दूसरों से विक्की को बात ही नहीं करने देती है, बस अपना ही। मुझे भी ना सच में ऐसा लग रहा था कि स्ट्रैटेजी है इनकी डेली, जो अभिषेक ने बोला ना कि डेली रात में आप लोग बात कर लेते हो कि अब हम कल मैं ये करूंगी, कल मैं गुस्सा हो जाऊंगी तो मुझे डेली डेली मनाना तो ये वही है एग्जैक्टली। तो मैं तो यही बोलूंगी कि वो पूरा प्रॉपरली गेम उसने वो चीज़ जानकर की है, तो और क्या बोल सकते हैं। जैसे अभी बिग बॉस में अपने फाइनलिस्ट मिल गए, तो आपको क्या लगता है जितने भी लोग हैं जो नहीं होना चाहिए, जो अभी है? देखिए मैं अगर देखो मेरे दो प्रस्पेक्टिव्स हैं कि अगर पहला मैं चाहूँगी कि अभिषेक ही जीते, हम निकालने की बात ही, हम जीतने की बात करते हैं कि अभिषेक ही जीते, बिकॉज एज अ फ्रेंड मैं वही चाहूंगी। लेकिन एज अ सेकेंड पर्सन मैं अगर ये बोलूंगी कि उनका, आजकल बिग बॉस नहीं बोलते, उनकी तो लाइन भी है कि बायस हो गए हो, फेवरेट्स चुनते हो, बिग बॉस पहले रही नहीं जो पहले थे आप, राइट? वो एक लाइन उन्होंने तो डंके की चोट पे बोल दिया कि मैं बायस हूँ और मैं अपने फेवरेट्स चुनूंगा। और सेकेंड पर्पज बोलू जाए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे कंटेस्टेंट में जो चार या पाँच बचे हैं, उनमें से प्रॉपरली अगर वो डिजर्विंग है तो अभिषेक की है, क्योंकि उसने फुल थ्रू आउट वन डे से एंड तक उसी ने पूरा फोकस के साथ, और उसने पूरा 100% दिया है। आप चाहे विक्की को ले लो, अंकिता को ले लो, मुनावर के तो अलग ही चिट्ठे हैं, उसके तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, उसका तो एंड में भी पता नहीं, अभी भी वो पूरा कन्फ्यूज ही घूम रहा है। और बल्कि जो अभिषेक और इसकी दोस्ती है ना, जो नाम ले रहे हैं, कोई दोस्ती नहीं दिखती मुझे। अभिषेक फिर भी करता है, लेकिन मुनावर उसको पॉइंट पॉइंट पे टॉन्ट मारता है, तो दिस इज नॉट फ्रेंडशिप। और उसको पता है, अब वो भी पंगे लेने लगा है अभिषेक, जो बीच बीच में नाजिला का नाम ले रहा था तो मतलब ही नोज ना, अगर वो इतना शार्प माइंडेड है, इतना क्लियर है अपनी चीजों को लेके, तो मुझे लगता है कि हाँ एक वो इंसिडेंट मनारा भी है अंदर। तो जब मीडिया वीक हुआ था तो मीडिया अंदर जाके क्वेश्चन किए थे, मतलब अंकिता जी से, मनारा के ऊपर एक एलिगेशन उन्होंने लगाया अंकिता ने कि मनारा चिढ़ाने के लिए विक्की से बात करती है, मुझे चिढ़ाने के लिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत करिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ, लेकिन रोहित शेट्टी सर ने एक एपिसोड आया लास्ट डे, उन्होंने ये कहा आप ये सोच रहे हो कि मनारा गलत कर रही, मतलब विक्की अगर लड़कियों से हंस हंस के बात कर सकता है तो मनारा क्यों नहीं कर सकती, तो आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बोल रहे हो, मनारा को डिफेंड। देखो ये एक्चुअली जब रोहित सर ने ये चीज लाइन बोली थी कि उसका क्वेश्चन था
कि अगर मनारा विक्की से बात हंस हंस के कर रही तो आपको जेलेसी हो रही है, राइट? और अगर मुझे लगा था कि वो चीज़ विक्की को ना बोल के अंकिता को ही बोलना चाहिए था रोहित सर को, कि आप जो मुनव्वर के साथ इतने क्लोज हो जाते थे एज अ फ्रेंड हो या चाहे कुछ भी हो, अब मनारा से तो वो इतना हग नहीं कर रहा ना, इतना चिपक नहीं रहा है, लेकिन आप तो मुनव्वर को किस भी किया है आपने एज अ फ्रेंड, लेकिन विक्की ने वो चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं किया है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें आप ना अपने हस्बैंड को ही आप जो है गलत दिखाने के लिए आपने पूरा ट्राई किया है। और एंड में मैं बड़े शॉकिंग हूँ, मैं अभी घर पे थी तो मैंने देख, मैं ऐसे रास्ते में आते हुए देख रही थी क्लिप, तो उसमें अंकिता बोल रही है कि मुझे नहीं पता कि कि विक्की पता नहीं क्यों इतना नेगेटिव दिख रहा है, मैं पॉजिटिव दिखती जा रही हूँ। हेलो, आप ही नेगेटिव दिख रही हो, वो पॉजिटिव दिख रहा है। तो वो ना अब क्या है, अब घर जाने का टाइम आया है, राइट? तो अब उसको अपने सास को भी फेस करना पड़ेगा। तो वो चीजें ना वो बिठा रही है माइंड में कि विक्की गलत था, मैं सही थी और मुझे ही जनता प्यार कर रही थी, और दैट इज रॉन्ग। और वो चीज वो अब मैनिपुलेट कर रही है, तो वो तो दिख ही रहा है सबको। और मैं तो अंकिता को भी नहीं पसंद करती जितना विक्की फिर भी खेला है। हाँ, उन्होंने अपना रियल कैरेक्टर हाँ निकाला है। और जो सब सोच रहे हैं कि देखिए, देखा जाए तो बिग बॉस के पर्सपेक्टिव से वो विक्की को अंकिता को जिताएंगे, सबको यही लग रहा होगा क्योंकि नोन फेस वो है, लेकिन मनारा को जिता दे क्या पता, क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी तो स्ट्रांग है ना, तो फिर वो चीज भी हो सकती है। अगर कभी आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया तो फिर कितने ओपन और बिग बॉस में जाते हैं, या खतरों के खिलाड़ी या वो खतरों के खिलाड़ी मेरे ये मेरा सेफ अभिषेक वाला रिएक्शन निकलेगा, क्योंकि मैं ना एक्चुअली बहुत डरती हूँ, मैं तो छोटे छोटे कीड़ों से ही डर जाती हूँ, तो वो तो बहुत अलग चीज है। खतरों खिलाड़ी में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर इन फ्यूचर मुझे बिग बॉस के लिए आता है तो अभी तो एज सच मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट आएगा तो या डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं लड़ाकू तो हूँ नहीं। हाँ, मैं वो अभिषेक से ही पूछने वाली हूँ कि क्या उसका हाल देख के मैं ही डर गई हूँ लेकिन हाँ, अगर आप अपने रिलेशन को लेके, जैसे वो क्लियर है ना, उसने एक बार भी ईशा को नॉमिनेट नहीं किया है, और इतना बड़ा दिल चाहिए मतलब यार इस चीज को करने के लिए, और अभी भी वो चीजें रिस्पेक्ट रखा है, और उसने गुस्से गुस्से में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी है ईशा के कैरेक्टर को लेके, तो और वो मुझे लगता है क्योंकि वो जब सीधे सीधे मना कर चुकी है तो वो है। तो लास्टली आपके फैंस को क्या कहना चाहोगे जो बेसब्री से इंतजार है कि नई ऐश्वर्या, नई कुछ मतलब आपके अंदर तड़का देखना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड थैंक यू सो मच गाइस, सबसे पहले आपने नथ और कृष्णा गौरी कहानी एज कलावती को आपने इतना प्यार दिया, मतलब कर तो मैं नेगेटिव रही थी कैरेक्टर से आपको लोगों ने जाना है। यस, कैरेक्टर से मुझे जाना है और मुझे इतना प्यार दिया है, मतलब अभी भी लोग ना मुझे मैसेज करते हैं कि आप प्लीज कब आ रहे हो उसमें, कब आ रहे हो, बट मैंने अब वो स्किप कर दिया है, मैं कुछ नया ढूंढ रही हूँ। और जस्ट लाइक होता है ना, मेरी ममाज भी कहते हैं कि आप प्लीज पॉजिटिव ढूंढो, बट लोग ना ये भूल जाते हैं कि एक टाइम पे कमोलिका भी स्टार थी यार, मतलब नेगेटिव कहाँ कुछ। हाँ, नेगेटिव करने के लिए आपको ना इतने ऑप्शंस मिलते हैं, इतना कुछ करने को मिलता है ना, पॉजिटिव में नहीं मिलता भाई, एक लाइन रोते रहो और बैठे रहो, वही चीज कृष्णा बेचारी कर रही है बट मैं तो नेगेटिव में बहुत खुश हूँ, अगर पॉजिटिव भी मिलता है तो मैं उसमें फिर देखूंगी कि करना क्या है क्या एग्जैक्टली। तो आपको मैं जल्दी मिलूंगी एक नए शो में एक नए अवतार के साथ, तो तब तक अभिषेक को दीजिए ढेर सारा प्यार और प्लीज उसी को विनर बनाइए। थैंक यू सो मच।